डॉक्टर शब्बीर आरिफ, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। MBBS मैंने MGM से किया है और MS मैंने जबलपुर से किया है इन 2000, और उसके बाद 17 ईयर्स तक मैं आउट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सऊदी अरब में काम किया। उसके बाद कोरोना का फर्स्ट लहर के पहले मैं इंडिया आ गया था और अब मैं अपने मदर एंड फादर के साथ इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। मेरी हेयरलाइन काफ़ी एग्जिग्रेटेड मेल पैटर्न हो गई थी, इसके लिए आई वॉन्ट टू रिक्रिएट माई हेयर। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मेरे दोस्त भी हैं, कलीग्स भी हैं, उनसे यानी सलाह मशवरा किया। अब ये तो एक ऐसा प्रोफेशनल मार्केट है कि यहाँ पे 15 रुपये, 20 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये, ये अलग अलग किस्म के रेट चलते रहते हैं। से रेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप जो कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी और उसका फ्यूचर क्या है। 2 दिन के लिए अगर आपके बाल अच्छे दिखें और उसके बाद आप और गंदे दिखाई देने लगें तो वो पैसा तो गटर में फेंक देना ज़्यादा बेहतर होगा इन्वेस्ट करने के बदले। इसलिए बहुत सारी सलाह और सर के एक्सपीरियंस को देखते हुए आई हैड ऑप्टेड के डॉक्टर अनिल कुमार गर्ग, मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूँ सर को, तो इनसे मैंने ये हेयर रिक्रिएशन के लिए कंसल्ट किया था। तो काफ़ी थोड़ा यहाँ वेटिंग काफ़ी रहता है, पर एज ए डॉक्टर और एज ए परिचय के हिसाब से उन्होंने मुझे जल्दी कंसीडर किया, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। और उन्होंने जो भी सलाह दी अपनी प्रोफेशनल, वो मुझे भी बहुत पसंद आई और उन्होंने अपने हिसाब से मेरी हेयरलाइन को रिक्रिएट किया। आज की कंडीशन में देखते हुए अगर देखा जाए तो मुझे कोई पेन नहीं है। आई एम सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे पेशेंट, मेरा मंडे को हुआ था, आज बुधवार है, 7 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। करीब करीब मॉर्निंग में मुझे 10 बजे के करीब ऑपरेशन में लोकल एनेस्थेसिया लगा दिया गया। कई लोगों को ऐसा रहता है कि ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेंदी है, 8 आवर्स तक अपन क्या करेंगे, कुछ वॉशरूम वगैरह जाना हुआ, कुछ नीड हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स इन द लोकल एनेस्थेसिया और आपको मिनिमल पेन या तो एक स्टिंकिंग सेंसेशन होता है, अदरवाइज देयर इज नथिंग। ठीक, पूरा प्रोग्राम चलता रहा 8 आवर्स का, उसमें भी सेशंस हुए और बाकायदा फ्रीनेस दी गई, खाना वगैरह, चाय, कॉफ़ी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मुझे पेन भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, कोई स्वेलिंग भी नहीं है एंड सेकंड डे मैं आपके सामने आज बैठा ही हूँ। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। कई लोगों में ये धारणा रहती है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या मालूम क्या होगा, जहाँ पे लगाए गए हैं उस एरिया में काला पिगमेंट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ए ऑटो ट्रांसप्लांट, आपका ही हेयर आपको लगाया जा रहा है। इफ़ स्काल्प पे अगर कम है या नहीं है तो बियर्ड का या चेस्ट का भी लगाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑटो ट्रांसप्लांट है, इसके रिजेक्शन की संभावना हो ही नहीं सकती। ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए अलग अलग जगह का अलग अलग रेट होता है। क्यों, खाली लगाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किस एंगल में लगा रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से वो बोया जा रहा है, मीन्स इट हैड बीन रीप्लेस्ड एट द न्यू साइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यही माइनॉरिटी हर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को अलग अलग करती है। अब इस मार्केट में ऐसा हो रहा है कि लोग समझ ही नहीं पाते चीज़ को। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो खाली अपने हेयर कटिंग सैलून वाले की ही एडवाइस लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, कह रहे वो तो 20 रुपये का रेट लगा रहा है और वो तो 22 रुपये का रेट लगा रहा है और मैं बहुत स्मार्ट हूँ,
जो मैंने पैसा भी बचा लिया और हेयर भी ट्रांसप्लांट करा लिया। पर ऐसा नहीं है, ऐसा है कई सेंटर्स में, तो वहाँ टेक्नीशियन ही चला रहे हैं, वहाँ डॉक्टर तो कुछ करता ही नहीं, वो तो खाली प्रमोशन कर रहा है। टेक्नीशियन ही आपका रूट निकालता है और टेक्नीशियन ही रीट्रांसप्लांट कर देता है उसको। तो टेक्नीशियन और डॉक्टर के ट्रांसप्लांट में फ़र्क तो होना ही हुआ, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। डॉक्टर अनिल कुमार गर्ग और मैडम दोनों साइड में ही बैठे थे और दोनों ने ही मेरी हेयर रूट्स नेप ऑफ द नेक से रिमूव की और मुझे लगाया गया इसमें कोई, और एक एक बाल की बाकायदा मुझे हिसाब दिया गया, उसकी जड़ें मुझे दिखाई गईं, कटोरियों में जो बाल जमा किए गए थे उसका बराबर से ख्याल रखा गया, एंड देन इट हैड बीन रीट्रांसप्लांटेड। ये बहुत माइक्रो सर्जिकल प्रोसेस है, इवन ए स्मॉल एरर आफ्टर 6 मंथ विल लीड टू ए डिजास्टर। इसलिए आज आप क्या करते हैं, फ्यूचर इसी बात पे डिपेंड करता है, आपके बाल का और किसी चीज़ का नहीं। मैं सर का और मैडम का बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा, एंड आई थिंक के वी हैव ए वेरी गुड फ्यूचर रिलेशंस, और मैं उनके साथ हमेशा अपना व्यवहार अति उत्तम रखने की कोशिश करूँगा। आई रिस्पेक्ट देम वेरी मच, थैंक यू टू देम।